जो शादी में आई यहाँ पर, मंदिर आई दर्शन करने के लिए, पता नहीं उसको क्या हुआ कि वो कूद गई। अरे और कूद के वो केस में जैसे झूला है ना लक्ष्मण झूला, ऐसे ही ये भी झूला है। तो चलो दोस्तों, बारह को जो नील टंकी आपको देख रही है ना, वहीं पे रानी लक्ष्मीबाई जी का विवाह हुआ था। तो अब सभी हम आ चुके हैं पानी वाली धर्मशाला। भाई ये देखो, अगर आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं तो ये पानी वाली धर्मशाला, ठीक है। और ये देखो अपने बच्ची भाई हैं। क्यों भाई, तुम तो कह रहे थे बताओ। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई। हम तुमसे क्या कह रहे थे कि लोकेशन ना बहुत शानदार होगी भाई, ठीक है। हमने दो तीन वीडियो देखे थे असल में इसके, तो हमने कहा चलो अपन बच्ची भाई यार अपन चलते हैं एक बार, गेड़ी मार के आते हैं। आज संडे है तो अपन छुट्टी भी। भाई बताओ कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा, एक नंबर मतलब ठीक है। अगर देखो भाई, जो झांसी वाले लोग हैं वो लोग तो पहले जानते ही होंगे इस जगह को। रात में तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, रात में बहुत प्यारा लगता है। तो भाई, जो अपने झांसी वाले हैं ना, वो अगर पुराने पहले आए हैं ना इस पे, तो पहले ये कुछ और हुआ करती थी, लेकिन अब भाई एक नंबर की चीज़ हो चुकी है भाई। देखो अगर आप पीछे देख पाए तो भाई, अगर झांसी से कोई बंदा है तो भाई ज़रूर आओ, है ना भाई। देख रहा है ये नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है भाई। ये जो देख रहे हैं ना फाउंटेन, अभी नए नए बने हैं, पहले यहाँ पे फाउंटेन ये नहीं थे, ठीक है। ये फाउंटेन अभी नए बने हैं और देख रहे हो भाई कितना सुंदर बन गया है। क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। वो सामने देखो आपको मंदिर दिख रहा है, शंकर जी का मंदिर है सामने। पानी देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई, वाकई में। ये तो आपको फाउंटेन दिख रहा है ना, इनमें रात में लाइट भी जलती पप्पी भाई। एक और ये लाइट है ना, ये भी है, इसमें भी रात है लाइट, रात में ये सारी लाइट है। वो दीवारों में भाई जो पेंटिंग करी गई ना, ये भी लाजवाब है। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ की खास विशेषता है भाई, ये जो झूला दिख रहा है ना, ये मिनी लक्ष्मण झूला है। ऋषिकेश में जैसे झूला है ना लक्ष्मण झूला, ऐसे ही ये भी झूला है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अपन झूले पर भी, देखते हैं झूले का क्या सीन है। चलो पप्पी भाई, चलो चलो भाई। वाकई में यार ये ऐसा लग रहा है जैसे अपना ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है ना, उस पर चल रहा है। ये असल में बना लोहे का है, ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे लकड़ी का बना भाई। लेकिन भाई मोबाइल संभाल के चलना है, ये मोबाइल चला जाइए। देखो इस साइड भी पानी भरा हुआ है। ये भाई बहुत ही फेमस धर्मशाला है, ठीक है। और ये मान के चलिए ये धर्मशाला चंदेलकालीन धर्मशाला है, जैसे कि लोगों ने बताया गया है कि ये धर्मशाला है चंदेलकालीन धर्मशाला है, और मतलब बहुत पुरानी धर्मशाला है। और ये जो कुंड है भाई, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि इसका पानी कहाँ से आता है। ये कभी भी इतना सूखा पड़ गया बुंदेलखंड में, लेकिन ये कुंड कभी नहीं सूखा हुआ भाई। ये देख रहे हो ये वॉल पेंटिंग, देखो कितनी गजब की करी गई वाकई में। ये बुद्ध भगवान की है, ये देखो वॉल पेंटिंग भाई एक नंबर की करी गई। देखो क्लासिक लकड़ी बहुत ही। और भाई यहाँ पे जो आसपास घर है ना, उनका कितना सुंदर नज़ारा रहता होगा, मज़ा आता होगा उन्हें तो भाई। ये देखो इसमें कई तरीके की मछलियाँ पड़ी हुई हैं भाई, ठीक है। लोग यहाँ पे दाना चुनाने के लिए आते हैं, लेकिन करके क्या किया जाते हैं, कचड़ा फैला के जाते हैं। इसी वजह से ना ये नीचे जाने के लिए बंद कर रखा है यहाँ पे। देखो वहाँ पे भी ताला लगा हुआ है। मछलियाँ चुनाव, लेकिन भाई ऊपर से चुनाव, ये पॉलीथिन वगैरह मत फेंको यार। इसलिए देखो वो ताला बंद करके रखा है, कि यहाँ नीचे जाने की भी जगह है, लेकिन यहाँ जाने की मनाही है भाई जी। स्विमिंग कोच झांसी। अच्छा अच्छा जी सर, दैनिक जागरण में भी कार्यरत थे, अभी फिलहाल में अपनी यहाँ पे कुंड के पास अपनी सेवा दे रहे हैं। तो सर थोड़ा बताएंगे कि इसके बारे में ये कितना पुराना है, और इस पानी का स्रोत क्या है, ये कभी खाली नहीं होता है क्या? ये अभी तक तो किसी ने देखा नहीं था, लेकिन अभी कुछ गंदगी निकालने के लिए इन्होंने मोटर लगाई थी। अच्छा। 8 या 10 मोटर लगे थे। अरे तो थोड़ा सा पानी निकला हुआ था, उसमें इन्होंने सफाई की। अभी 28 फीट पानी है अभी लगभग। अच्छा अच्छा। और साइड में एक तालाब बना, चौपड़ा है इसके अंदर जी, वो
60 फीट से नीचे ही होगा, ऊपर नहीं होगा, वो कभी खाली नहीं, कभी खाली होता ही नहीं है तब भी अभी तक तो किसी ने उसको उसके नीचे जमीन नहीं देखी है। अरे इतने वर्षे हो गए लेकिन अभी किसी ने देखा। तो मतलब कहने का मतलब आज तक कभी खाली नहीं हुआ? नहीं। अच्छा अच्छा, यहाँ का थोड़ा सूख गया तो इधर का खाली नहीं कर पाया, अभी तक मशीनें भी फेल हो गई। अरे तो कितना साल पुराना है सर ये? कम से कम चंदेल का जमाना और गुसाइयों का मंदिर। हाँ, 1000 साल पुराना मंदिर, 1100 साल कम से कम। अच्छा अच्छा, और ये शंकर जी का मंदिर भी वही समय का है, काफी पुराना मंदिर है ये भी, गुसाइयों का मंदिर है। अच्छा, जो चल चंदेलकालीन पानी वाई दमसल है इसको बोलते हैं जी, ये तालाब को, और प्राचीन है बहुत साल, मतलब काफी समय की ये धर्मशाला है, कहने का मतलब ये है। इसका लोकार्पण दूसरा था लेकिन अब क्या है, सरकार की वजह से थोड़ा आकर्षण का केंद्र हो गया। हाँ, रहने ये वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसको अच्छा किया गया, मतलब बहुत पहले गंदा है, सेल्फी पॉइंट बना दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई में तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। कन्या पाठशाला है, LMT है, लोकमतला इंटर कॉलेज। अरे आपने यहाँ पे मतलब कई लोगों को यहाँ पे जिंदा निकाला है, तो सर एक बहुत अच्छे तैराक भी हैं। मुसल नहीं कहने चाहिए क्योंकि बात सत्य है, वो तो है, वो उजागर है, सबको सामने है, यही है। तो सर एक बहुत अच्छे तैराक भी हैं, सर ने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मतलब डूबते हुए लोगों को भी काफी लोगों को निकाला है, और सर के कुछ शिष्य हैं जो नेशनल लेवल पे भी गोल्ड मेडल लेके आए। क्या नाम सर उन्होंने बताया आपने आप उनका? जिया यादव जी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक है, धन्यवाद आपका। ये अपनी पानी वाली धर्मशाला। तो दोस्तों अगर झांसी से अगर आप लोग हैं तो भाई ज़रूर आओ और इस जगह को विजिट करो। पहले तो भाई ये इतनी अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत प्यारी जगह बन गई है, ठीक है, रेनोवेशन हो गया पूरा। और ये देखो अपने पीछे रानी लक्ष्मीबाई जी की फ़ोटो, भाई इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, इन्हीं के नाम पे तो ये झांसी की रानी, झांसी का नाम पड़ा हुआ है। भाई इसको कोई नहीं जानता ना, वो कुछ भी नहीं जानता। ये आप कहीं भी चले जाओ ना तो अगर आप पूछोगे कि हाँ झांसी की, अच्छा भाई झांसी वाला रानी लक्ष्मीबाई वाला झांसी, तो इसे नाम से ही ये झांसी जाना जाता है। तो चलो दोस्तों चलते हैं फिर भाई अपन लोग। दोस्तों अगर आप आना चाहें तो यहाँ का एड्रेस है भाई, ये खंडेराव गेट के पास पड़ता है, पचकुइयाँ है, पचकुइयाँ से आप खंडेराव से पचकुइयाँ, पचकुइयाँ के पास में ही आपको पानी वाली धर्मशाला मिल जाएगी। तो अगर आप किसी पूछ लेंगे हर हरेश्वर महादेव जी का मंदिर कहाँ है, और गणेश मंदिर के जस्ट पीछे है ये धर्मशाला। दोस्तों चलिए आप भी आइए, विजिट करिए भाई अपने झांसी का पैलेस है, और देखो इसको आगे।